आज सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत खास मेहमान, बिप्लब देब, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। मिस्टर बिप्लब देब, आप जीत गए हैं चुनाव, ये सिविक बॉडी इलेक्शंस है, लेकिन इसकी सेलिब्रेशंस इतनी हो रही हैं जैसे आपने असेंबली के इलेक्शन जीत लिए हों। बीजेपी ने 329 सीट्स जीती हैं 334 में से इन द 13 अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें ओवरऑल वोट शेयर 59% का है बीजेपी का। लेकिन बड़ी बात ये रही कि सीपीएम जो है वो दूसरी पोजीशन पे है और बीजेपी के साथ जो टीएमसी लगी हुई थी इतनी कंपटीशन में, वो तीसरे नंबर पे है। इन चुनावों के नतीजे के बारे में आप क्या कहेंगे बिप्लब देब जी? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है, बहुत दिनों से एक षड्यंत्र के तहत हमारे छोटा त्रिपुरा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के पूर्व प्रांत में है, इसको बदनाम किया जा रहा था पूरे दुनिया भर में, भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में। त्रिपुरा के लोग दांगेबाज है, त्रिपुरा के लोग का संस्कृति को धज्जी उड़ाया जा रहा था, त्रिपुरा का जो जनजाति 32% है उनके बारे में अलाप शलाप बोले जा रहे थे। तो बेसिकली त्रिपुरा का किस्ती, संस्कृति, त्रिपुरा लोगों के जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान, इसको वो ठोस पहुंचाया जा रहा था, बार बार ठेस पहुंचाया जा रहा था और त्रिपुरा को बदनाम किया जा रहा था, जो कि वास्तव में त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं थी। त्रिपुरा में दंगा हो रही है, इसके बदले में महाराष्ट्र में आपने देखा क्या रूप लिया था, उत्तर प्रदेश में, पूरे दुनिया भर में। तो ये सब त्रिपुरा के लोगों को अच्छा नहीं लगा और इस इलेक्शन में हम लोग जो प्रचार में गए थे, सब इतना ही लोगों को सामने रखा था। जो आप लोग विचार करिए, हम लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है हम नीचे तक लेके जा रहे हैं, आप प्रमाणित है और आप इसके ऊपर विचार करके रायदान करिए। और ये राय आई है, आपने जो संख्या भी पूरे देश के सामने रखा, ये सच्चाई है और ये त्रिपुरा के जनता का मत है। और जिन लोगों ने त्रिपुरा को बदनाम करने की साजिश रची थी, इनको त्रिपुरा के जनता ने जवाब दिया। मैं इसमें मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन बिप्लब देब जी, क्या ये सही नहीं है कि वहां पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं और सेक्शन 144 क्लैंप किया गया था तेलियामुरा में, 12 लोग इंक्लूडिंग 3 पुलिस कर्मी जो थे वो इंजर हुए थे अटैक में, जब बस तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स की जा रही थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, हिंसा तो हुई थी और हिंसा के बाद आपने यूएपीए ऐसा लगता है होलसेल में लगा दिया सबके ऊपर, किसी का सोशल मीडिया हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी कुछ मुंह से बोलने वाला हो उसके ऊपर आपने यूएपीए लगा दिया था। तो ये एक तरह से इसका रिएक्शन था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किया है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, आपकी सरकार को भी। तो आप क्या डिनाई कर सकते हैं कि वहां वायलेंस हुआ था? देखिए, एक है जो त्रिपुरा में दंगा हुई बोल के पूरे दुनिया को फैलाई, फर्स्ट स्टेज, अलग चीज है। जो त्रिपुरा में कम्युनल दंगा हुआ है उसमें मस्जिद जलाई गई है और इसको पूरे दुनिया भर में फ्रेम करके प्रचार करना है, ये एक अलग एक पार्ट है। और अभी जो इलेक्शन में जो आप बोल रहे, दूसरी पार्ट है, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इलेक्शन बाद में आई है और इलेक्शन तब घोषणा नहीं हुई थी जब ये रचना की गई थी, ये 26 अक्टूबर के है जो घटना। तो उस 26 से 29 के बीच जो भी घटना घटी, उस समय हम लोगों ने दो छिटपिट घटना घटी, वो तुरंत समाधान किया गया है और वहां उसके बाद त्रिपुरा में कुछ नहीं, किंतु पूरे दुनिया भर फैला गया। नकली छवि देखिए, त्रिपुरा में मस्जिद जल रहे, संख्या लोगों का जीवन सब खत्म हो गया, बड़े बड़े टीम आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, आके प्रचार करके ऐसा कर रहे हैं, पूरे देश भर में माने एक माहौल तैयार करके सांप्रदायिक दंगा की तरफ लेके जा रहे थे। तो ये तो बहुत सीरियस विषय है, जब कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे यहाँ का अभी जो इलेक्शन हुई है, तीन तीन मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी से जीत का ही है,
जहां बोल रहे कलिया कलिया शहर और वो रुआ के आसपास, वहां से दो हमारे कैंडिडेट जीत के आई है, संख्यालघु कैंडिडेट है, सुनामोरा से दो दो एक महिला कैंडिडेट एक जेंट्स कैंडिडेट जीत के आई है। तो उधर के जो लोग नेतृत्व देने वाले यहाँ मैंने माया करना करने के लिए रोने के लिए त्रिपुरा में आ रहे हैं, और त्रिपुरा में कुछ है ही नहीं, हम लोग एक साथ रह रहे 37 लाख त्रिपुरावासी, त्रिपुरा में ये सब विषय नहीं है। तो इसलिए जब कुछ हुआ ही नहीं, क्यों इसको इतना बड़ा करके पूरे दुनिया में लेके जा रहे थे? इसलिए यूएपीए लगा देंगे आप सारे जर्नलिस्ट पे, सारे पत्रकारों पर, सोशल मीडिया पे जो सरकार के क्रिटिक्स होंगे उन सब पे यूएपीए लग जाएगा, क्या यही गवर्नेंस है? इसमें देखिए, यूपीए में जो लगाया है उसमें 3 के बारे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। त्रिपुरा सरकार ने, मैंने निर्देशित भी किया है इनको रिव्यू करने के लिए, डीजी को आदेश कर दिया है, वो रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो आपने ये लगाया है वो उसमें किसकी धारा पे लगाया, क्या क्या हुआ? त्रिपुरा सरकार जो वो संवेदनशील है, जनता के सरकार है, हम संवेदन को सम्मान करते हैं, आईनजीवी को सम्मान करते हैं, जनता को भी करते हैं, किंतु जब कुछ घटना घटती है पूरे दुनिया भर में ऐसा फैलाया जा रहा है, उसका लिंक जब पुलिस वालों के पास आया है, जब कुछ कुछ लिंक पाकिस्तान के जो निर्धारित कुछ संस्था उनके साथ जोड़ रहा है, तब उसको किया गया। किंतु मैंने उनको तुरंत बोला इसको रिव्यू करो और इसको सही देखो, और सही नहीं है तो उसको इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए त्रिपुरा सरकार ने ये काम कर चुका है, मैंने बहुत पहले बोल चुका था, ये त्रिपुरा को प्लान करके बदनाम करने की साजिश रची गई थी। किसने की साजिश? साजिश रची गई है अभी वो आप तो बड़े जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है। नहीं, आप बताइए ना, आपका आरोप किस पे है? नहीं, मैं क्यों, मैं आप लोग सबको पता है, हमारा तो इन्वेस्टिगेशन में है, हमारे पास प्रूफ है, किसने, आपके पास भी फोटोग्राफ है, कौन ट्वीट कर रहा था, कहां से ट्वीट कर रहा था, किसके भतीजा कर रहा था, त्रिपुरा में मास्क जल गई, त्रिपुरा में दंगा हो गए मुस्लिम से। आप सीधा अभिषेक बैनर्जी पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये देखिए, मैं तो नहीं जानता कौन बनाने भतीजे पर, तो भतीजा एक ही है क्या देश में? नहीं, अरे हम भी तो किसी का भतीजा है, मेरा भी चाचा है। हाँ, तो आप बोल देते कि कई लोग हैं, आपने भतीजा क्यों कहा? देखिए, मैंने भतीजा बोलते आप वहां क्यों पहुंच गए, तो आपको ही पता है। तो देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सरकार में हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन किया होगा या एक पॉलिटिकल इल्जाम आप लगा रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आपकी प्रतिद्वंदी है और अभी एक साल है असेंबली चुनाव होने में, और तृणमूल की जो पार्टी है उन्होंने 3 महीने में अगर 16-17% वोट इकट्ठा कर लिया है तो चैलेंज भी कर सकती है आपको, इसीलिए क्या आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? देखिए, एक इल्जाम, मैंने इल्जाम नहीं, इल्जाम होता है जैसे त्रिपुरा के ऊपर जो लगाया वो इल्जाम है, त्रिपुरा के जनता को बोला है वो इल्जाम है, उनको ऊपर इल्जाम नहीं, वो प्रमाणित है, उनका ट्वीट है आपके पास, पूरे दुनिया के पास है, तो इसलिए वो प्रमाणित है, जो हुई नहीं वो उन्होंने किया है। और दूसरा, जो कांग्रेस के और एक महापुरुष है उन्होंने भी किया दो बार ट्वीट, तो वो भी आपके पास है। नाम लीजिए तो त्रिपुरा, मैं मुझे इतने बड़े आदमी का नाम मैं नहीं ले सकता हूं, क्यों, मुझे, मैं छोटा राज्य में काम करता हूं, मुझे काम करना आता है, लोगों के साथ रह के मैं काम सीख रहा हूं, वो लोग बहुत बड़े नेता है, मुझे उनके राहुल गांधी का नाम आपको आता नहीं या लेते नहीं आप? आप सभी आप ही बोल रहे हैं, आपको सब पता, आप तो, मैं जानता हूं आपको सब जानकारी है। तो अभी आपने रिसेंटली कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज रिजेक्ट किया था, असली जानकारी क्या है, आपको पता चला? देखिए, ऐसी जो बात है, जब आदमी चलना शुरू करता है तो ये बात कब कहां से लाके जोड़ता है, किसके साथ क्या करता है, तो आपको भी जानकारी है। मैं किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाऊंगा ना प्रत्यारोप भी नहीं लगाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा जो जो हमारे जैसा लोगों को काम करने का मौका मिला है, आपने कहा तो था मैं कि काम नहीं करना कहा चाहता हूं।
ये आपने कहा था कि नहीं कहा था? ये आपने कहा था कि नहीं कहा कौन था सा? कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज वापस कर दिया था? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज वापस किसी क्यों करेगा? दुनिया जानते हैं वापस ने नोबेल पुरस्कार उनको मिली है, इसीलिए दुनिया में उनको गीतांजलि के लिए मिली है, दुनिया जानता है। बिप्लब दत्त बेंगोली होके क्यों नहीं जाना गया इस विषय को? नाइट उपाधि के समय उन्होंने क्यों आप जानते नहीं उनको जानेंगे? उनको नोबेल प्राइज नहीं, नाइटहुड मिला था। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राज्य में, जो हमारे महाराज थे, तो हमारे राजाओं ने पहले टैगोर को कवि उपाधि दिया था। त्रिपुरा में आप आए थे, उनको सम्मान किया गया है, त्रिपुरा के साथ उनका संबंध है, अच्छे संबंध है। आप बीजेपी तो उस समय आप बीजेपी की सरकार नेपाल में बनाना चाहते थे, फिर नेपाल ने भी ऑब्जेक्शन किया, तो नेपाल में बनाएंगे बीजेपी की सरकार? देखिए, वो ये जो नेपाल हो, भूटान हो, अलग राज्य है, वो अलग दिशा में उनके सरकार है, और हर एक देश में रजिस्ट्रेशन होती है राजनीतिक दल की। जैसे मैंने आपको बोला, आप तो अभी राजनीति में नहीं है, किंतु आप रजिस्ट्रेशन करके आप दल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बिप्लब देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने पब्लिक के सवाल का जवाब दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।